So I have this little plastic waste and some of these mudkies, and I'm gonna do something useful with these today. First of all, I will cut the bottles like this into something like this. पहली बात तो है कि आपको प्लास्टिक लाना ही नहीं चाहिए, प्लास्टिक यूज ही नहीं करना चाहिए. दे एंड अप इन लैंडफिल्स एंड कॉजेस अ लॉट ऑफ पोल्यूशन. दे टेक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू डिकम्पोज. तो ये लेना ही चाहिए. तो दूसरी बात, अगर आप ले लें तो मेक श्योर यू रिसाइकल देम, यू रीयूज देम एंड रिड्यूस. फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूस, द फर्स्ट स्टेप इज रिड्यूस ऑब्वियसली, द सेकेंड स्टेप इज टू रिसाइकल और रीयूज. इस तरह के जो कप्स होते हैं वो हम रीयूज कर सकते हैं, बट द बॉटल्स लाइक दिस विच कैन नॉट बी रीयूज उनको हम रिसाइकल कर देंगे इन टू प्लांटर्स और समथिंग. एंड दीज मटकीज, दीज आर वे इको फ्रेंडली देन दीज. लेकिन उसके बावजूद इनको बनाने के लिए भी हम लोग जो किन फायर यूज करते हैं वो भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत बड़ा कॉज बनती है. तो इसीलिए हमें चाहिए कि अगर हम ये हमें चाहिए कि अगर हम इनको भी लें तो हम इनको ट्रूली पर्पजली यूज करें, इसको बार बार रीयूज करें, हम इसको अपने डेली उनमें यूज करें. और अगर हम नहीं करना चाहते ड्यू टू सम हाइजीन और अदर पर्पजेस तो हम इनको भी रिड्यूस कर दें, नहीं तो रिसाइकल करें. तो हम आज की वीडियो में यही करने वाले हैं. लेट्स डू इट. वॉश एंड एयर ड्राई दो प्लास्टिक बॉटल्स और उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे. आई एम वेरी पुअर एंड आई एम डूइंग दिस माई ऑन वे. अच्छा, इसको करने का एक तरीका ये भी हो सकता था कि हम छुरी गर्म करके इसको इजिली काट लेते हैं, बट फॉर मी मुझे लगता है कि यू नो मेल्टिंग अ प्लास्टिक क्रिएट्स इवन मोर एयर पोल्यूशन. तो मैंने कहा अच्छा जो है एक दफा आ चुकी है, ऑब्वियसली इस बारे में फिलहाल तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये तो हो सकता है एटलीस्ट कि हम एयर पोल्यूशन कॉज ना करें. ऑलरेडी इट इज कॉजिंग द लैंड पोल्यूशन, तो हम एयर पोल्यूशन साथ ना कॉज करें, क्योंकि जितनी ज्यादा पोल्यूशन होती जा रही, इवन योर 0.01% वर्किंग कैन कॉज अ लॉट ऑफ इफेक्ट. तो जहां भी आप कर सकते हैं कि आपको लगे कि यार हमें ये नहीं करना चाहिए पोल्यूशन के लिए, तो वो करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और हमें ही करना है. इवन यू थिंक इट डजंट मैटर, इट स्टिल मैटर्स. और मटके इसके लिए आई सोक दम इन वाटर फॉर अबाउट हाफ एन आवर, और फिर उसके मैंने ड्रिल मशीन से इसमें हॉल कर लिया था, एंड आई हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस. तो इफ यू आर नॉट एक्सपीरियंस जस्ट डोंट डू इट, जस्ट डोंट. तो जी, अब इसमें सब में हॉल्स हो चुके हैं, तो हॉल्स आर नेसेसरी फॉर द एयर सर्कुलेशन एज वेल एज वाटर ड्रेनेज. तो ये आपने बॉटल्स में और मटकीज दोनों में कर लेना अच्छे से, एंड देन फिल दिस विद अ गुड सॉइल मिक्स, जो कि आपका जो है लूज सॉइल मिक्स. और उसके बाद हम तीन प्लांट्स में से इस वक्त कटिंग्स और लेने लगे हैं, एलोवेरा में से, स्पाइडर प्लांट्स में से और रोजमेरी में से. और ये मैंने यहाँ पे लगा दिए, एंड हियर इज अ लुक ऑफ माई मिनिएचर गार्डनिंग. और बड़े वाले दोनों में मैंने सीड्स लगा दिए, तो वो उसमें से हम सम सीजनल फ्लावर्स ग्रो करेंगे इंशाल्लाह. एंड आई डू हैव अ नाउ अ मिनिएचर गार्डन एडेड टू माई कलेक्शन. और उसके बाद आप व्हाटएवर यू वांट टू डू.